आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिसेंट में चल रहे दो आईपीओस के ग्रे मार्केट प्रीमियम एंड लिस्टिंग गेन के बारे में, जिसमें हमें दोनों आईपीओ में बढ़ोतरी होती हुई नजर आ रही है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। तो पहले बात करें अगर धर्मज आईपीओ के बारे में, तो यहाँ पे पहले आपको बता दें कि इसका अलॉटमेंट ऑलरेडी आ चुका है, जो कि कल रात ही आया हुआ है। तो अगर आपने वो अभी तक चेक नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाके आप जरूर चेक कर सकते हैं। एंड उसके बाद कमेंट जरूर करें कि आपको ये आईपीओ अलॉट हुआ है या नहीं। तो अब बात करें अगर इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम के बारे में, तो यहाँ पे पिछली बार हमने आपको बताया था 58 रुपये का जीएमपी, जो कि अभी बढ़ के हो गया है 60 रुपये के आसपास। तो यहाँ पे हमें थोड़ी सी बढ़ोतरी होती हुई नजर आ रही है। तो अब अगर इसके पर लॉट के हिसाब से लिस्टिंग गेन की बात करें, तो यहाँ पे 3600 रुपये तक के लिस्टिंग गेन हमें देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पे काफ़ी अच्छे लिस्टिंग गेन हम इसे मान सकते हैं। तो वहीं पे अगर हम परसेंटेज वाइज अगर निकालें, तो फिर हमें यहाँ पे 25% की लिस्टिंग गेन अभी भी देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पे ये काफ़ी अच्छी बात है। तो अब अगर इसके लिस्टिंग की बात करें, तो इसकी लिस्टिंग होने वाली है 8 दिसंबर के दिन, यानी कि परसों के दिन। तो तैयार रहेगा एक काफी अच्छी लिस्टिंग के लिए। तो अब बात करें अगर अगले आईपीओ के बारे में, जो कि है यूनिपार्ट्स इंडिया आईपीओ। तो यहाँ पे इस आईपीओ में अगर हम बात करें ग्रे मार्केट प्रीमियम के बारे में, जो कि पिछली बार हमने आपको बताया था 53 रुपये का, जो कि यहाँ पे भी बढ़ के हो गया है 60 रुपये के आसपास। तो यहाँ पे हमें काफी अच्छी बढ़ोतरी होती हुई नजर आ रही है। तो अब अगर इसके अगर लिस्टिंग गेन की बात करें, तो यहाँ पे पर लॉट के हिसाब से अभी हमें 1500 रुपये तक के लिस्टिंग गेन मिलते हुए नजर आ रहे हैं, जो कि परसेंटेज वाइज अगर हम देखेंगे तो 10% के लिस्टिंग गेन अभी हमें देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पे भी हमें थोड़ा सा डिसेंट लिस्टिंग गेन तो जरूर नजर आ रहा है। तो अब बात करें अगर इसके अलॉटमेंट की, तो वो कल के दिन आने वाला है। इसकी भी हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहे हैं, तो वहां से जाके आप कल शाम को चेक कर सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो में कुछ अच्छा लगा हो। अगर ऐसा है, वीडियो को लाइक करें एंड अब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एंड साथ ही अगले वीडियो के बारे में अगर बात करें, तो वहां पे हम अदानी ग्रुप की कुछ ऐसी कंपनीज के बारे में बात करने वाले हैं, जिसका भी आईपीओ भी आने वाला है। तो उसके लिए भी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड साथ ही अगर आपको 13 साल बाद होने वाले ब्रेकआउट के बारे में जानना है, वो कंपनी के बारे में जानना है, तो फिर आप राइट वाले वीडियो पर क्लिक करके जरूर देख सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।